लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर एंटर करती है तब लाइट उसके ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर दूसरे पाथ पर चला जाता है। इस फिनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलो आज एक एक्सपेरिमेंट के जरिए इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दिखाने के लिए ये एक ग्लास स्लैब है और ये लेजर पॉइंटर है और मैंने यहाँ पर पेपर पर एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है जहाँ पर ये इस तरह से ग्लास स्लैब को रखने वाला हूँ और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस तरफ से ये लेजर पॉइंटर का बीम जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये हुआ लेजर पॉइंटर का पाथ और ये लाइन ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर नॉर्मल है। लेजर पॉइंटर को मैंने सेट कर दिया। अब ये रहा, ये देखिए फिर से। तो आपने देखा कि लाइट जब इस पॉइंट पर गिरा तो ग्लास स्लैब के अंदर से ये डेविएट होकर ये इस तरफ चला गया। फिर से देखिए, ये देखिए लाइट उसका ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर दूसरी तरफ चला गया। उनको यही फिनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि लाइट जब एयर से ग्लास मीडियम पर एंटर किया तो उसका पाथ में डेविएशन आया, फिर ग्लास से जब एयर पर निकला तो उसका पाथ में फिर से डेविएशन हो गया। तो लाइट का ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर उसका पाथ का डेविएशन होना, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।